हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 11 के चैप्टर 1 व्हाट इज साइकोलॉजी को कंटिन्यू करते हुए जो टॉपिक मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। यहाँ पर डिसिप्लिन का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब है सब्जेक्ट, डिसिप्लिन का मतलब है करिकुलम। साइकोलॉजी को हम एक सब्जेक्ट के रूप में कंसीडर करते हैं, उसे एक साइंस मानते हैं। ये सब मैं आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ जब मैंने आपको साइकोलॉजी के डेफिनेशन डिटेल में एक्सप्लेन की थी। आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन में, जिनमें से वन मार्कर डेफिनेटली पूछा जाता है। तो पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ साइकोलॉजी स्टडी करती है तीन चीजें। पहली है मेंटल प्रोसेस, दूसरे है एक्सपीरियंसेस और तीसरा है बिहेवियर। ये मैं आपको साइकोलॉजी के डेफिनेशन में डिटेल में बता चुकी हूँ कि साइकोलॉजी ऐसी साइंस है जो मेंटल प्रोसेस, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस और ह्यूमन बिहेवियर को डिटेल में स्टडी करती है, इनके साथ वो एक प्रॉपर डीलिंग करती है। दूसरा पॉइंट आता है हाउ माइंड वर्क्स, डिफरेंट मेंटल प्रोसेस रिजल्ट्स इन डिफरेंट बिहेवियर। देखो साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि किस तरह से हमारे मेंटल प्रोसेस होते हैं, कैसे हमारा माइंड वर्क करता है, और अलग अलग तरह के मेंटल प्रोसेस की वजह से अलग अलग बिहेवियर अकर होते हैं। डिफरेंट बिहेवियर डिफरेंट मेंटल प्रोसेस का रिजल्ट होते हैं। ये सब हम डिटेल में पढ़ते हैं साइकोलॉजी में। हर पर्सन के अलग अलग तरह की थॉट्स होती हैं, उनके परसेप्शन होते हैं, इसका रिजल्ट होता है कि उनके बिहेवियर भी एक दूसरे से वेरी करते हैं। अब देखो व्हेन वी ऑब्जर्व अदर्स एज ले मैन और कॉमन मैन, वी मेक अवर ओन व्यूज फॉर इंटरप्रेटिंग देयर बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस। देखो जब हम किसी भी पर्सन को एज अ कॉमन मैन और लेमैन की तरह से ऑब्जर्व करते हैं तो वहां पर हम अपने ओन व्यूज बना लेते हैं, ओन आइडियाज बना लेते हैं उस पर्सन के बिहेवियर और एक्सपीरियंस को इंटरप्रेट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज एक पर्सन ट्रेन के पीछे भागा जा रहा है तो प्लेटफॉर्म पर जितने भी लोग खड़े हैं, जितने भी कॉमन लोग ले पर्सन उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, हर किसी का अलग अलग इंटरप्रिटेशन है उसके बिहेवियर को डिटरमाइन करने के लिए। कुछ लोग कहते हैं ये चोरी करके भाग रहा है, कुछ लोगों का व्यू पॉइंट है कि इसका बैग ट्रेन में रह गया जिसे लेने के लिए ये ट्रेन के पीछे भाग रहा है, कुछ लोगों के ओपिनियन होते हैं कि इसकी ट्रेन छूट रही है इसलिए ये ट्रेन के पीछे भाग रहा है। तो देखो यहाँ पर एक्चुअल रीजन किसी को नहीं पता कि वो पर्सन ट्रेन के पीछे क्यों भाग रहा है, लेकिन हर पर्सन अपना व्यू पॉइंट दे रहा है, अपना ओपिनियन दे रहा है कि ये पर्सन ट्रेन के पीछे इस रीजन की वजह से भाग रहा है। तो देखो यहाँ पर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने इस तरह के इंटरप्रिटेशन को मिनिमाइज करने के लिए अपने कुछ व्यू पॉइंट्स दिए हैं। उन्होंने क्या कहा, साइकोलॉजिस्ट मेक देयर एनालिसिस थ्रू साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड। साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि हमें अपने व्यू पॉइंट ऐसे ही नहीं बनाने चाहिए, किसी के बारे में ऐसे ही हमें अपना ओपिनियन नहीं देना चाहिए, सबसे पहले हमें रिलायबल सोर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए, रिलायबल डाटा हमें कलेक्ट करने के बाद उसे हमें एनालाइज करना चाहिए, डिड्यूस करना चाहिए और उसके बाद हमें उसे जनरलाइज करना चाहिए, एक फाइनल स्टेटमेंट हमें देना चाहिए आफ्टर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस। तो यहाँ पर जो पर्सन ट्रेन के पीछे भाग रहा है एक रिलायबल सोर्स से उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए और फाइनली हमें कंक्लूड करना चाहिए कि ये पर्सन ट्रेन के पीछे क्यों भाग रहा था। लेकिन कुछ साइकोलॉजिस्ट इस बात को अपोज करते हैं, वो ऑब्जेक्टिविटी और साइंटिफिक मेथड को अपोज करके कहते हैं कि हमें सब्जेक्टिविटी पर फोकस करना चाहिए, यानी जो पर्सन ट्रेन के पीछे भाग रहा है हमें डायरेक्टली उससे
पूछकर ही ये पता लगाना चाहिए, ये रीजन फाइंड आउट करना चाहिए कि एक्चुअली ये पर्सन ट्रेन के पीछे क्यों भाग रहा था। तो सम साइकोलॉजिस्ट फेवर सब्जेक्टिविटी टू एक्सप्लेन बिहेवियर एज एक्सपीरियंसिंग पर्सन कैन एक्सप्लेन इट बेटर। तो ये फोकस करते हैं सब्जेक्टिविटी पर। सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि जो एक्सपीरियंसर है उसी से डायरेक्ट जाकर हमें ये पता लगाना चाहिए कि क्या रीजन है कि ये ट्रेन के पीछे भाग रहा है, क्योंकि जो एक्सपीरियंसिंग पर्सन होता है वो बेटर एक्सप्लेन कर सकता है किसी भी रीजन को। तो समझ आया, दोनों तरह के व्यूज जो साइकोलॉजिस्ट ने दिए हैं। कुछ साइकोलॉजिस्ट का ओपिनियन है कि हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए, डाटा को गैदर करना चाहिए, उसे एनालाइज करना चाहिए और फाइनली उस पर हमें कंक्लूड करना चाहिए। लेकिन कुछ साइकोलॉजिस्ट के व्यू पॉइंट है कि अगर हम डाटा कलेक्ट करने की बजाय एक्सपीरियंसिंग पर्सन से ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं तो वो बेटर एक्सप्लेन करेगा। समझ आया? अब देखो, साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए दो अप्रोच और हैं। एक है इंडियन व्यू पॉइंट और दूसरा है वेस्टर्न व्यू पॉइंट। ये दोनों भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वन मार्कर क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इंडियन ट्रेडिशन क्या कहता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ आवर कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस फॉर साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन पर फोकस करना चाहिए। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसमें हमें अपने एक्शंस, अपने बिलीफ, अपनी प्लानिंग को दोबारा से एनालाइज करना चाहिए। दूसरा, जो एक्सपीरियंसेस हमने कॉन्शियसली गेन किए हैं उन्हें हमें एनालाइज करना चाहिए और उसके बाद हमें इंटरप्रेट करना चाहिए। ये होती है साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एज पर इंडियन ट्रेडिशन। दूसरी है वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट। वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ नॉलेज इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस। जो वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट है वो भी सेल्फ रिफ्लेक्शन पर ही एम्फोसाइज करते हैं, फोकस करते हैं। इसके साथ साथ वो सेल्फ नॉलेज पर भी स्ट्रेस करते हैं कि ह्यूमन के बिहेवियर और ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ नॉलेज ये दो की पॉइंट हैं। अब देखो, इन सबका कंक्लूजन क्या आता है, रिगार्डलेस ऑफ डिफरेंसेस दे स्टडी मेंटल प्रोसेस बिहेवियर एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग इन सिस्टमेटिक मैनर। देखो यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन है, यहाँ पर डिफरेंसेस आ रहे हैं हर किसी के ओपिनियन में, लेकिन यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है कि सिर्फ तीन ही चीजें स्टडी करनी है साइकोलॉजी में। इन सबका मेन एम क्या है कि ह्यूमन का मेंटल प्रोसेस, ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस और ह्यूमन के बिहेवियर को एक सिस्टमेटिक मैनर में स्टडी करना है। ये फाइंड आउट करना है कि ये पर्सन पर्टिकुलर वे में बिहेव कर रहा है तो क्यों बिहेव कर रहा है, इसके बिहेवियर में अगर डिफरेंसेस अकर हो रहे हैं तो क्यों अकर हो रहे हैं। समझ आया? तो ये सब था साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन का, ये एक पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है जिसमें आपको ये पता लगेगा कि साइकोलॉजिकल लैब कब एस्टेब्लिश की गई थी। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि साइकोलॉजी को हम साइंस क्यों कहते हैं। अब देखो, साइकोलॉजी इज ओल्ड नॉलेज डिसिप्लिन इज अ यंग साइंस। जो साइकोलॉजी है ये एक ओल्ड नॉलेज डिसिप्लिन है, लेकिन इसे एक यंग साइंस कंसीडर किया जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि यंग साइंस किसे बुलाते हैं, यंग साइंस साइकोलॉजी को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी वाज फाउंडेड इन 1879 इन लिप्ज़िग। लिप्ज़िग कहाँ है, ये है जर्मनी में। देखो, साइकोलॉजी की फर्स्ट लैब को एस्टेब्लिश किया गया था, ईयर था 1879 और जगह थी लिप्ज़िग। तो यहाँ आपको ईयर भी पता होना चाहिए और जगह भी पता होनी चाहिए कि साइकोलॉजी की फर्स्ट लैब कहाँ पर एस्टेब्लिश की गई थी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज साइकोलॉजी इज जनरली कैटेगराइज्ड एज सोशल साइंस
but Faculty of Science offered subject in UG and PG for BSc or MSc. अब देखो, हम जनरली कहते हैं कि साइकोलॉजी एक साइंस है, लेकिन ये हमेशा एक डिबेट का क्वेश्चन रहा है कि साइकोलॉजी किस तरह की साइंस है. यूजुअली साइकोलॉजी को कैटेगराइज किया जाता है एज सोशल साइंस. इसे आर्ट स्ट्रीम का सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन फैकल्टी ऑफ साइंस ऑफर्ड इट एज अ सब्जेक्ट इन अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज फॉर बीएससी और एमएससी. देखो, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ना सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में, अदर कंट्रीज में साइकोलॉजी को एज अ साइंस सब्जेक्ट ऑफर किया गया है, बल्कि इंडिया में भी फैकल्टी ऑफ साइंस ने साइकोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट ऑफर किया है अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर, जहां पर स्टूडेंट बीएससी कर सकते हैं साइकोलॉजी से और एमएससी करके डिग्री ले सकते हैं. तो साइकोलॉजी को दोनों ही स्ट्रीम में रखा गया है, इसे आर्ट्स की स्ट्रीम में भी रखा गया है और साइंस की स्ट्रीम का भी ये एक मेजर सब्जेक्ट कंसिडर किया गया है. क्लियर, समझ में आ गया? अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट आता है, साइकोलॉजी आर न्यूरो साइंस एंड कंप्यूटर साइंस. देखो, साइकोलॉजी को दो और मेजर स्ट्रीम में कंसिडर किया गया है. पहली है न्यूरो साइंस और दूसरी है कंप्यूटर साइंस. न्यूरो साइंस में हम साइकोलॉजी को इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? क्योंकि ब्रेन इमेजिंग टेक्नोलॉजी लाइक MRI और EEG मेक इट पॉसिबल टू स्टडी ब्रेन. देखो, आपको पता है आजकल हॉस्पिटल में ब्रेन की प्रॉब्लम को डायग्नोज करने के लिए MRI करते हैं, EEG करते हैं. इसमें क्या होता है कि ब्रेन की इमेज ली जाती है, एक्चुअल ब्रेन एक्टिविटीज को कैप्चर किया जाता है और ये सब पॉसिबल होता है कंप्यूटर साइंस से, क्योंकि जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वही यूज की जाती है MRI और EEG टेक्निक में. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट इज, इन IT एरियाज ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज ग्रोन अप ड्यू टू साइकोलॉजिकल नॉलेज इन कॉग्निटिव प्रोसेस. देखो, अगर हम IT सेक्टर की बात करते हैं जिसमें ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सक्सेस अचीव हुआ है, ये अचीव हुआ है बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल नॉलेज. इस सक्सेस को अचीव करने के लिए पर्सन को दो नॉलेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है. एक तो पर्सन को टेक्नोलॉजी यूज करनी आनी चाहिए, उसे टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, और दूसरी उसे ह्यूमन की साइकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, जैसे ह्यूमन के मेंटल प्रोसेस, उसके बिहेवियर और उसके एक्सपीरियंसेस को वो अच्छे से स्टडी कर सके, तभी वो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिजाइन कर सकता है, जैसे उसने डिजाइन किया है रोबोट. देखो, आपको पता है आजकल हर फील्ड में रोबोट को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जो बिल्कुल ऐसे ही एक्ट करता है जैसे एक ह्यूमन बीइंग. तो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ग्रो होने का मेन रीजन है साइकोलॉजिकल नॉलेज इन कॉग्निटिव प्रोसेस. समझ में आया? अब देखो, जो साइकोलॉजी है इसकी दो पैरेलल स्ट्रीम है. पहली है साइंस और दूसरी है सोशल साइंस. साइंस क्यों कहते हैं हम इसे? बिहेवियरल फिनोमिना हैव कॉजेज एंड रिसर्चर ट्राइज टू नो कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. देखो, साइकोलॉजी को हम साइंस क्यों कहते हैं? कोई भी बिहेवियरल फिनोमिना यानी पर्सन का कोई भी बिहेवियर, चाहे पर्सन एग्रेसिव है या वो पोलाइट है, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कॉज होता है, और इस कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए रिसर्चर स्टडी करता है, वो फैक्ट्स को गैदर करता है, जो स्टेटमेंट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, उन्हें कलेक्ट करके प्रॉपर स्टडी करने के बाद वो एनालाइज करता है, कंक्लूड करता है कि किसी पर्सन का पर्टिकुलर बिहेवियर एग्जिस्ट क्यों होता है. देखो, सपोज एक पर्सन बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, तो वो उस कॉज को फाइंड आउट करता है कि इस पर्सन के एग्रेशन का मेन कॉज क्या है. क्या इसके साथ चाइल्डहुड पीरियड में इसके पेरेंट्स ने इल ट्रीटमेंट किया है, या कोई और कॉज है जिस वजह से ये पर्सन बहुत ज्यादा एग्रेसिव है.
तो साइंस इसीलिए कहा जाता है कि इसमें कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को जो रिसर्चर होता है वो स्टडी करता है। दूसरा आता है साइकोलॉजी एज सोशल साइंस। बिहेवियरल फिनोमिना इज ड्यू टू सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चरल इफेक्ट्स। देखो साइकोलॉजी को हम सोशल साइंस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पर्सन के जो भी बिहेवियरल फिनोमिना है, यानी पर्सन का जो भी बिहेवियर एग्जिबिट होता है, वो होता है बिकॉज ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चरल इफेक्ट्स। किस तरह की सोसाइटी में वो रहता है, किस तरह के एनवायरमेंट पे वो रहता है, कैसे कल्चर से वो आता है, ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं उसके बिहेवियर को। तो साइकोलॉजी की दो पैरेलल स्ट्रीम कंसिडर की जाती है, एक है साइंस और दूसरी है सोशल साइंस। इन पर मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करूंगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। देखो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सारे टॉपिक मैं आपको एज पर एनसीईआरटी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। इसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर जो ये बोर्ड के नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। क्लियर, होपफुली आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। प्लीज लाइक माई वीडियो लेक्चर, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।